अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैंने मंगवाया ऑर्डर ड्रास डॉट पी के से। बाइक का ब्रेक सेट है, ब्रेक पैडल पे रबर चल रहा था और किक पे और पता नहीं क्या क्या था बीच में, मैंने भी इतना वो नहीं किया था। अभी आया ऑर्डर, देख सकते हैं। ये ऑर्डर आया, अभी इसे खोलते हैं, देखते हैं बीच में से क्या निकलता है, या वही चीज निकलती है या फिर इन्होंने कोई चीज दो नंबरी की है। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ रुको भाई रुको, इससे पहले अगर आपने मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दे, नाम मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ऊपर कोने पे नाम लिखा होगा, देख सकते हैं। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अगर पसंद आती हो तो उसे लाइक कर दें, कमेंट करें कि मैं और किस तरह की वीडियोस लाऊं, व्लॉगिंग लाऊं या अनबॉक्सिंग की वीडियोस लाऊं या गेमिंग पे लाऊं, मुझे बताएंगे मैं ला दूंगा। और शुरू करते हैं बिना किसी बॉलीवुड के, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। तो चलो आप खोलते हैं इसे। ब्लू कलर का है, इसमें होते हैं क्या, ये मेरे ख्याल से नेट है, चैन चैन कवर के ऊपर जो रबड़ लगता है वो है, और हैंडल के ऊपर भी लगता है। इसे भी खोलते हैं, पहले तो ब्रेक पैडल निकला, ये ऐसे मसाज से ऐसे लगेगा, हम आपको उस पर ऊपर लगा के भी दिखाएंगे, इसके इसी वीडियो के साथ मैं जोड़ दूंगा। ये हैंडल के ऊपर वो लगता है, ऐसे हैंडल के ऊपर जो नट है तो बड़ा लगता है। उसके बाद ये चैन कवर का जो होता है लगता है ना ऐसे, ये भी उसका, और ये किक का आगे किक के ऊपर तो लगता है, और कुछ है बस ये ग्रुप साइड पे। और ये अब इनकी तरफ आते हैं, तो पहले हमें मेरे के ये चैन कवर के ऊपर लगता है, और ये किक के ऊपर, और ये जो है ब्रेक पैडल के ऊपर। ये इसलिए होता है कि अक्सर ना पैडल से हमारा जो पाँव वो स्लिप हो जाता है, ब्रेक इस वजह से नहीं लगती है, तो ये रबड़ का ही इसे ब्रेक फिर लग जाती, स्लिप नहीं होता पाँव। और ये उसका नट का आ जाता है, नट के ऊपर जो हैंडल का नट होता है ना उसके ऊपर, हम आपको उसको लगा के दिखाते हैं आज, आप देखते हैं लगता होता है।